आप देख रहे हैं एसके न्यूज। किन्नौर के सोहरा में पर्यावरण सुरक्षा के मद्देनजर आज रोटरी क्लब के तत्वाधान में स्थानीय शमशान घाट में पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें भाग लेते हुए SDM आलोक यादव ने कहा कि आज समस्त पृथ्वी प्रदूषण एवं दूषित जलवायु से घिरी हुई है, जिससे बचने के लिए हम सबको पेड़ लगाते हुए अपनी भागीदारी निभानी चाहिए। विधायक हाजी नईम उल हसन ने कहा कि जिस तरह माँ का आंचल अपने बच्चों को सुकून देता है, वैसे ही पेड़ की छांव, उसका ऑक्सीजन आदि भी हमें सुकून और जीवन देते हैं, इसलिए हम सबको पेड़ लगाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जरूर निभानी चाहिए। वहीं थानाध्यक्ष अरिहंत कुमार सिद्धार्थ ने कहा कि आज के समय में बाढ़, तूफान आदि प्रलय केवल पेड़ों की कमी के चलते हमारे जीवन को अस्त व्यस्त कर रहे हैं, और जिनसे बचने को हम सबको पेड़ लगाकर अपने पर्यावरण की सुरक्षा करनी चाहिए। सभी देशवासियों एवं किसान भाइयों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ST सिंह, प्रधान प्रबंधक किसान सहकारी चीनी मिल्स ननोता जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश। आप सभी देशवासियों एवं किसान भाइयों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अनिल त्यागी, महाप्रबंधक गन्ना विभाग, त्रिवेणी शुगर मिल, देवगंज जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश। आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अनु चौधरी उर्फ पीकी, वरिष्ठ समाज सेवी, ग्राम चंदेना कोनी, जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश। आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। विजेंद्र त्यागी, ग्राम प्रधान, ग्राम कचराई ब्लॉक ननोता जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश। आप सभी देशवासियों एवं किसान भाइयों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। डॉक्टर जितेंद्र कुमार कुंडीर, डिस्पेंसरी चिकित्सा प्रभारी, त्रिवेणी शुगर मिल्स, देवबंद जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश। आप सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मनोज त्यागी, मंडल प्रभारी, SKK न्यूज, जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश। आप सभी देशवासियों एवं किसान भाइयों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रमेश चंद्र शर्मा, मुख्य गन्ना अधिकारी, किसान सहकारी चीनी मिल्स, ननोता, जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश।